मेरे बच्चों, मैं कह रहा था कि आज से शुभ शुभ बोलना है, कभी नहीं देखो किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई दुख है। आपको दुख होगा तो आपके शरीर से तरंग सुख के निकलेंगे कि दुख के निकलेंगे? अब ये दुख के तरंग निकलेंगे तो वातावरण को और दुखी करेंगे कि सुखी करेंगे? दुखी करेंगे। और दुखी वातावरण का दुख का तरंग और दुख को मजबूत करेगा कि सुख करेगा? तो आपको पता नहीं है कि आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। कितना भी दुख हो, दुख को अपने कंधे पर एक पोटले की तरह रख के सुखी रहने की कोशिश करो। जब दुख में भी सुख का तरंग फैलाओगे, सुख के तरंग प्रगाढ़ होंगे, तो दुख चूर चूर होंगे न, सुख आना शुरू होगा। मैं क्या करूं महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, दुखी नहीं तो क्या करूंगा? अरे मूर्ख, तुझे विज्ञान पता नहीं है? तू सुखी होके ही सुख को आकर्षित कर सकता है, दुखी होके सुख को आकर्षित नहीं कर सकता। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये बोलने से नहीं आएगा। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये बोलने से आएगा। दोनों में फर्क है। मेरे पास हीरे का नेकलेस नहीं है, तुम घड़ी घड़ी नहीं है नहीं है बोल रहे हो, तो वो नहीं आने की व्यवस्था को बढ़ा रहे हो। और जब बोलोगे कि मुझे हीरे का नेकलेस चाहिए चाहिए चाहिए, अब चाहत का तरंग तुम्हारे जीवन में फैलने लगता है। और जब चाहत का तरंग फैलेगा, मेरा काम नहीं हो रहा कभी जीवन में ही नहीं बोलना, मेरा काम होना चाहिए ये बोलना। क्या बोलना? होना चाहिए। हाँ, मेरा धंधा अच्छा होना चाहिए। आजकल मेरा धंधा चलता नहीं है ये बोलने वाले को मालूम नहीं है कि मैं बोलना ही गलत कर रहा हूं, तो होना भी गलत ही है मेरे जीवन में। मुझे बहुत बड़ा काम चाहिए, मुझे बहुत अच्छे। महाराज जी, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, हर औरत बोलती है मेरे बच्चे कहना नहीं मानते। ये मत बोल माता के मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, ये बोल के मेरे बच्चे कहना मान जाए, आशीर्वाद दो। वो आज क्या है वो मत बोल, तेरी स्थिति आज क्या है वो मत बोल, तेरे जीवन में आज क्या क्या है वो मत बोल, तुझे क्या चाहिए वो बोल। तेरे जीवन में वो तेरे जीवन में निरंतर वो चीजें आती रहेगी जब तू बोलना शुरू करेगा। हम तो क्या बोलते हैं, जो बीती हुई जिंदगी को बोलते हैं। महाराज जी अगर सुनो आप मेरी बात, तो 20 साल से परेशान हूं महाराज जी। कितने साल से? 20 साल से। अरे 20 सेकंड की भी परेशानी को क्यों सोचती है? भविष्य के सुख के लिए तू इच्छा रख और उसकी चिंतन कर, तू गिए हुए बात को क्या बदला पाएगा? जो बीत चुका है वो कोई बदलाएगा नहीं। तो भविष्य कैसा होना चाहिए ये मन में एक तरंग आ जाए। अगर भविष्य के उत्तम विचार मन में आएंगे तो भविष्य भी उत्तम ही होने वाला है। क्या होने वाला है? और हमारे शास्त्रों में कहा है कि चारों तरफ शक्तियां घूम रही है। ये शक्तियां चुड़ैल भूत प्रेत भी हो सकते हैं, ये शक्तियां आपके सद गृहस्थ पितरों के भी हो सकते हैं, ये आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, आपकी कुलदेवी ना भी आए, कुलदेवी की तरंगें जो आपने पूजा की वो भी घूम सकती है। ध्यान रखना, कोई देवता घूमना जरूरत नहीं है। आपने जितने दिए जलाए पूजा किए उसकी कोई एनर्जी आती है ना, उस एनर्जी में भी कमांडिंग फोर्स होता है, उस एनर्जी में देवता में ही नहीं होता। आपने जितनी पूजा की उन पूजा में एक शक्ति होती है, वो पूजा की शक्ति भी आपकी इच्छा को पूरी करती है। क्या करती है? इच्छा को पूरी। इसलिए तो पूजा करते हैं। क्या जरूरी है कि हमारे घर में 24 घंटा कुलदेवी बैठी होगी, उसके लोक में हजारों देवता उसकी सेवा कर रहे हैं, वहीं वो मस्त है, लेकिन हमारे घर में कुलदेवी है कि नहीं, उसकी शक्ति है हमारे घर में, ये ध्यान रख लो। वो शक्ति चारों तरफ घूम के एक ही काम करती है कि आप लोग जो सोचो वो हो जाए। आप क्या सोचो? आजकल कुछ होता ही नहीं है, समाज बहुत खराब है, लोग बहुत खराब है, आपके जीवन में जो आएंगे खराब ही आएंगे। आप क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप, कि दुनिया खराब है, लोग खराब है? ततास्तु। आपके लिए क्या हो गया है? ततास्तु। हाँ, ततास्तु हो गया है। क्या बोलते हो? शब्द को मोतियों की तरह उपयोग करोगे, एक दिन देखोगे कि मोती की हार पहनने मिल रहा है। जय गुरुदेव। कुछ भी मुंह से बोलते रहोगे तो कुछ भी जो आएगा झेलना पड़ेगा तुमको।
सभी जितने YouTube में मेरे देख रहे हो बच्चों और जितने सामने बैठे हो, सब एक नियम तो पक्का ले लो। क्या नियम? सब एक नियम ले लो कि नकारात्मक शब्द का उपयोग नहीं करना, जो चाहिए वो बोलना, जो नहीं है वो नहीं बोलना, उसी को भाई पूछे पति शक्कर लाना है, आप जाके दो। आज भी पतियों को बोलती हो ना कि घर में शक्कर नहीं है, घर में गेहूं नहीं है, घर में आटा नहीं है, घर में चावल नहीं, ये नहीं बोलना, चावल लाना है, शक्कर ला, दोनों में बहुत फर्क है। ये दोनों में क्या है, स्त्रियों को ये समझना चाहिए, बहुत जरूरी है कि पति से कैसे बोले। पति खुद भी पूछे कि शक्कर नहीं है क्या, तो हाँ नहीं है, ऐसे नहीं बोलना, उस घर में धान्य की कमी आएगी, कितना भी कमाओ तो रोटी में मजा नहीं आएगा, उस समय स्त्री को बोलना चाहिए हाँ लाना है, शक्कर नहीं है क्या, हाँ नहीं है, ऐसा नहीं बोलना, हाँ लाना है, ये लाना है आपको, ये लाना है, यानी वो लाएगा तो यहाँ भर जाएगा, यानी अपने में भरा हुआ भाव रखोगे तो जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं आएगी और सुख शांति बनी रहेगी। मेरे को ये नहीं है, मेरे घर में पति को एकदम, अरे 40 रुपया किलो का शक्कर है, कितने का, पति के पास ऐसे जाएगी जैसे कोई महल ढह गया हो, घर में शक्कर नहीं है ना, आप ऐसे फिरते रहते हो, अरे शक्कर है, 10 मिनट में आता है शक्कर, कैसे उसको सुनाते हैं आप सोचो, घर में चाय की पत्ती नहीं है ना, आपको दिमाग में नहीं रहता, अरे चाय की पत्ती 100 रुपया दे तो आती होगी, उसके लिए ऐसे जबरन में शेर डाचा भरता हो ऐसे क्यों जाती हो, बड़े प्रेम से बोलो कि भाई चाय की पत्ती लानी है। शब्द शब्द में लक्ष्मी बसती है, कौन बसती है, लक्ष्मी, हाँ, एक शब्द लक्ष्मी को खींच के घर में खड़ा कर देती है, एक शब्द पितरों का श्राप दिला देता है हमारे, सब घूम रहे हैं पितृजन, ततास्तु ततास्तु बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ततास्तु, किसको लेना है ततास्तु, बोलो किसको लेना ततास्तु, खोटा ततास्तु लेना है, आप बोलो कि आजकल मेरा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ततास्तु ऐसा ही हो, क्या बोले, ततास्तु, हाँ, कुछ बोलने से हमारे जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है, बदलने के प्रयत्न करने से ही बदलेगा, और किसी को भी बोल के वो बदलेंगे नहीं आपकी जिंदगी, जिसको आप सुनाने जा रहे हो वो सुन के क्या आपके जीवन बदलाने आएंगे, मेहनत करेंगे वो नहीं, तो जो आपके लिए कोई मेहनत नहीं कर सकते उनको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। आप बोलो दिल हल्का होता है तो माँ से मांग के दिल हल्का कर, किसी को दुख सुना के हल्का मत कर, तेरे को जो चाहिए जा घर में माँ का पद्मावती का फोटो रखा है क्या, उसके पास खड़े हो जा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो माँ है उसको मालूम है, ये लोभी है, बहुत इसमें आस है, फिर भी वो सुनती रहेगी क्योंकि वो माँ है। संसार सुनेगा, सुनेगा संसार नहीं सुनेगा, तो जो सुनता नहीं है न करता भी नहीं है उसको क्या सुनाने जाए, हम हमारे कर्तव्यों में इतने व्यवस्थित हो जाए, कैसा बोलना, कैसे सोचना, क्या करना, ये तीन जिसको समझ में आ गया दुनिया में राजा की तरह वो जी सकते हैं। क्या चीज समझ में आना, कैसा बोलूं, क्या बोलूं, दो आदमी जब भी इकट्ठे होते हैं, आजकल मार्केट ही ठंडा है, आजकल काम ही कम है, आजकल नौकरियां मिलती नहीं है, तुझे क्या करना, तेरा क्या होगा, दुनिया में 6 करोड़ लोग बिना नौकरी के भारत में होते होंगे, तू तो एक है, तुझे क्या करना, तू तेरा रास्ता पकड़, हर आदमी अगर ऐसा रास्ता पकड़ेगा तो कोई भी निकम्मा नहीं रहेगा, बराबर चलेगी सब गाड़ियां।